हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमकांत पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल यूनिवर्स, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ। और इस सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेल में डेटा टाइप के ऊपर। यहां मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम एक्सेल में डेटा को अलग अलग तरीकों से सॉर्ट कर सकते हैं, जहां आपने जाना था सॉर्ट करने के नॉर्मल तरीके और कस्टम सॉर्ट के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में डेटा के फिल्ट्रेशन के बारे में, जहां आप जानेंगे डेटा को ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर करने के तरीके। अपने एक्सेल शीट पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आप सीख जाएंगे डेटा को फिल्टर करना और एडवांस फिल्टर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेसन। फिल्टर के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे फिल्टर जरूरी क्यों है। जैसे आपने सॉर्ट का यूज किया था, उसमें हमने क्या किया कि डेटा को सॉर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि डेटा हमारा एक सीक्वेंस में दिखेगा, लेकिन अगर आप सॉर्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका डेटा सॉर्ट तो हो जाएगा और सीक्वेंसली भी आ जाएगा, लेकिन हमारा डेटा क्या होगा कि सारे डेटा एक साथ दिखेंगे। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में परेशानी हो सकती है कि कौन सा डेटा मुझे देखना है, कौन सा नहीं देखना है। और फिल्टर क्या करता है कि हमें उस पार्टिकुलर डेटा को फिल्टर करके मेरे सामने विजिबल कर देता है, बाकी सारे को हाइड कर देता है। तो फिल्टर लगाने के लिए हमें शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट और एल एक साथ प्रेस करना होगा और फिल्टर मेरे डेटाबेस में अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही आप एक और तरीका अपना सकते हैं, अल्ट डी एफ एफ अलग अलग प्रेस करेंगे, उससे भी आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे डेटाबेस में फिल्टर अप्लाई हो गया है, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको देखना होगा डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। आप यहां देखेंगे ये फिल्टर वाला बॉक्स हाईलाइट हो गया है, अलग तरह से सिलेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब फिल्टर अप्लाई हो गया है डेटाबेस में। आप यहां से भी अपने डेटाबेस से फिल्टर को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। जब आपके डेटाबेस में फिल्टर लगता है तो आपके हर एक कॉलम को एक अलग अलग एरो की मिल जाता है, जिसपे आप क्लिक करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे नेम पे फिल्टर करूंगा और यहां पे मुझे उस पार्टिकुलर कॉलम्स के वो यूनिक रिकॉर्ड यहां पे दिखेंगे जिनको मुझे यहां पे फिल्टर करना है। जैसे मैं यहां पे सिलेक्ट ऑल पे अनचेक करके और मैं यहां पे आलोक को लेता हूं। जैसे मैंने आलोक पे प्रेस करके ओके किया, मुझे वो आलोक के तीन रिकॉर्ड दिखा रहा है जो इस डेटा में अवेलेबल है, बाकी सारे रिकॉर्ड को इसने हाइड कर दिया है। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड ले लेता हूं, जैसे मैंने आलोक और अमित को एक साथ ले लिया। अब आप देखेंगे वो सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे दिखा रहा है जो मुझे चाहिए थे, बाकी को इसने हाइड कर दिया है। तो इस तरह से ये फिल्टर हमारा काम करता है मेरे डेटाबेस पे। इसके अलावा आपको यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कस्टम फिल्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप यहां पे जाएंगे तो टेक्स्ट फिल्टर होगा, क्योंकि इस पार्टिकुलर कॉलम में मेरा टेक्स्ट का डेटा है, इसलिए यहां पे टेक्स्ट का फिल्टर आ रहा है। टेक्स्ट के फिल्टर में आपको मिल जाते हैं इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन और कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में आप जब जाएंगे तो यहां पर आपको वो सारे ऑप्शन दिखेंगे जो अभी यहां पर ड्रॉप डाउन में क्विक लिस्ट में दिख रहे थे। यहां पर इसके अलावा भी और सारे ऑप्शन है, तो आप अपने यहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटा सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू आलोक करके अगर फिल्टर करूंगा और इक्वल टू अमित करके यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूं, देखते हैं क्या होता है। मैं ओके प्रेस करूंगा, आप देखेंगे डज नॉट इक्वल आलोक को ये देखेगा और इक्वल टू अमित को देखेगा। इसने अमित को फिल्टर किया और आलोक के अलावा इसने सारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर किया हुआ है। तो ये तरीका होता है आपको कस्टम फिल्टर यूज करके और अपने डेटा को फिल्टर करने का। अब ये तो हमने जाना कि टेक्स्ट फिल्टर। अब मेरा यहां पे सेल्स वाला कॉलम दिया गया है, इसमें क्या है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पे आपको नंबर फिल्टर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस रिकॉर्ड्स में, इस कॉलम्स में टोटल नंबर वाले रिकॉर्ड्स हैं।
तो इस तरीके से आपको नंबर के अलग अलग फिल्टर्स मिल जाते हैं। जैसे नंबर पे हम कुछ भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे कस्टम फिल्टर में आपको मिलेंगे इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू, जे सेम एज, टेक्स्ट फिल्टर, लेकिन उसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, और उसके अलावा कस्टम फिल्टर्स में आपको सेम चीज मिलेंगे जो उसमें दिए हुए थे। बस इसमें नंबर्स के लिए जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यहां से आप अपने डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कैसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे 1500 से अबव नंबर चाहिए, मैं ओके प्रेस करूंगा और वो सारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर देगा जो भी जिसका भी वैल्यू 1500 से ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप नंबर फिल्टर कर सकते हैं। मैंने यहां पे डाला हुआ है डेट्स, लेकिन जब आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे उस डेट्स के मंथ दिखेंगे आपको, और उसमें आपको प्लस बटन दिया हुआ है, मतलब इस डेट का ग्रुपिंग किया हुआ है, और जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे उस पार्टिकुलर मंथ के डेट आपको यहां पे दिखेंगे। अगर इसमें आप कस्टम फिल्टर की बात करें तो यहां पे आपको डेट के हिसाब से कस्टम फिल्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे इक्वल टू, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, टुडे, स्टरडे, नेक्स्ट वीक, मतलब जो डेट के रिलेवेंट होता है वो आपको कस्टम फिल्टर में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कस्टम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां ऑटो फिल्टर के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे आप यहां एक साथ मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करके फिल्टर नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस ऑटो फिल्टर में जो यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है उसको आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकें, जैसे मैं यहाँ पे कोई नेम सिलेक्ट करता हूँ और वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस फिल्टर लिस्ट में जितने यूनिक नेम हो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडवांस फिल्टर यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ मल्टीपल क्राइटेरिया देके यूज करें, जैसे कि हमें ये चाहिए कि जो भी सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 हो और जिसकी डेट रेंज बिलो 15 जनवरी हो, वैसे डेटा को फिल्टर करके दिखाए। तो अगर आपका डेटा लंबा होगा तो आपको यहाँ पे एक एक करके फिल्टर करना होगा, लेकिन एडवांस फिल्टर के जरिए ये काम मेरा बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके एडवांस फिल्टर के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। अगर ये एडवांस फिल्टर है तो इसमें हमें कुछ एडवांस तरीके भी अपनाने होंगे। जैसे हम अभी तक जो फिल्टर यूज कर रहे थे ऑटो फिल्टर, वहां पे मुझे सेम जगह पे सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया देना है तो एडवांस फिल्टर में क्राइटेरिया आपको कहीं अलग लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ सेल्स इंसर्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं अपना क्राइटेरिया का हेडिंग दे दूंगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो हेडिंग होगा ना वही क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगाऊंगा जिसके जरिए मैं यहाँ इस लिस्ट के यूनिक नेम को फिल्टर करूंगा। तो चलिए क्लिक करते हैं एडवांस फिल्टर पे और यहाँ पे आपको मिल जाता है एडवांस फिल्टर के अलग अलग ऑप्शंस, जिसमें आप फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा उसी लिस्ट में फिल्टर होके आ जाएगा, जैसे कि ऑटो फिल्टर काम करता है। उसके बाद आपको देने हैं क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, जब ही मैंने सेल ये हेडिंग पेस्ट किया है इस सेल में, ये वाले क्राइटेरिया हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्शन में, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेंज देना होगा जहां पे आपका फिल्टर डेटा यहां से कॉपी होकर वहां चला जाएगा। तो मैं ये भी ऑप्शन आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं करता हूं फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इस पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे वो लिस्ट रेंज देने हैं जहां से मुझे डेटा फिल्टर करना है। तो फिलहाल मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं, तो मैं यहाँ पे वो रेंज दे दूंगा जहां पे मेरा नेम है, ये नेम मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। आप देख रहे हैं कि मैंने A7 से लेकर A64 तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे राकेश 2 times है। अब मुझे यहां पे क्लिक करना पड़ेगा यूनिक रिकॉर्ड का चेक बॉक्स पे और मेरा डेटा फिल्टर हो जाएगा ओके प्रेस करने के बाद। अब आप देखिए मेरे टोटल रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पे 18 है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 18 है। तो ये मुझे फिल्टर करके दे रहा है आसानी से कि आपका टोटल डेटा में से ये 18 यूनिक रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहा है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस यूनिक रिकॉर्ड को फिल्टर करके किसी और जगह पे रख सकते हैं। तो मैं पहले फिल्टर क्लियर कर देता हूं और मैं फिर से जाऊंगा एडवांस फिल्टर पे, और आप देख रहे हैं कि यहां मेरा डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। मैं इस नेम को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि यहां से ही मुझे फिल्टर करने हैं, और मैं अब की बार यूज करूंगा कॉपी टू अदर लोकेशन। क्लिक करिए और आप कॉपी टू में उस सेल का रेंज दे दीजिए जहां पे आपको ये रिपोर्ट फिल्टर चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप ऑटो फिल्टर में कोई डेटा फिल्टर करके अंडू कर सकते हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर अप्लाई होने के बाद ये काम आप नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे ये लोकेशन दे दूंगा, K7 में मेरा इस डेटा का फिल्ट्रेशन रिपोर्ट दिखेगा। मैं यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं, अब मैं प्रेस करूंगा ओके। ये लीजिए आपका रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हमारा एडवांस फिल्टर हमारे यूनिक रिकॉर्ड को कॉपी कर देगा। मैं अब एक दूसरा तरीका ये बताता हूं कि कैसे हम मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं और एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे सेल वैल्यू में वो से सेल वैल्यू को दिखाओ कि जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 हो और जिसकी डेट रेंज 15 जनवरी से नीचे हो। तो मैं यहां पे दे दूंगा अपने डेट का फॉर्मेट और मैं इस पे अप्लाई करूंगा फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर पे क्लिक कीजिए। अब आपका यहां पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पे दे दूंगा रेंज ये वाला K7, और डेटा तो मेरा पहले से सिलेक्ट है, मैं इसको रेंज बढ़ा देता हूं, ये मैंने ले लिया। और मैं क्राइटेरिया रेंज में सिलेक्ट कर लूंगा ये वाला क्राइटेरिया, प्रेस करूंगा ओके। आप देखेंगे मेरा वो डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। ऐसे 2 रिकॉर्ड्स ही मुझे मिले हैं जो कि 1500 से ऊपर हैं और जिनकी डेट रेंज जो है 15 जनवरी से नीचे है। तो इस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरिया देकर आप फिल्टर कर सकते हैं। अगर एक तरीका मैं ये भी बताऊं कि आपको वो सारे रिकॉर्ड्स को यहां पे फिल्टर करके दे जिसकी डेट रेंज 15 जनवरी से नीचे हो, और वैसे भी रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके दे जिसकी की सेल वैल्यू 1500 से ऊपर हो, तो ये काम भी बड़ी आसानी से आप एडवांस फिल्टर के जरिए कर सकते हैं। बस इसमें चेंज क्या करना होगा कि आपने जो डेट रेंज यहां पे दिया था बस उसको नीचे पेस्ट करना है, क्योंकि ये पहले ये फिल्टर करेगा उसके बाद इसको भी फिल्टर करेगा, तो दोनों क्राइटेरिया आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूं अपने एडवांस फिल्टर वाले डेटा पे और आपका रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ गया है। आप कॉपी टू अनदर लोकेशन करिए और कॉपी टू में आप दे दीजिए K7। मैं यहीं पे पेस्ट कर रहा हूं, आप किसी अदर सीट में भी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में दूंगा अपना ये वाला नया वाला क्राइटेरिया रेंज जो एक सेल मेरा बढ़ गया है। अब मैं प्रेस करूंगा ओके। ये देखिए आपका रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गया है। अब ऐसे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जो कि 15 जनवरी से नीचे होगा और साथ ही जिसकी सेल वैल्यू 1500 से ऊपर होगी, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। अब आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे तो 15 जनवरी से बाद का भी डेट है, लेकिन आप उसके सेल वैल्यू को देखिए 1500 से ऊपर है। तो इस तरह के आप मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करके एडवांस फिल्टर को लगा सकते हैं। मैं एक और यूनिक ट्रिक बताता हूं आपको। आप वैसे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाहते हैं जिसके नेम में ओनली बी हो, मतलब जिसकी नेम के स्टार्टिंग बी हो, वैसे रिकॉर्ड्स को आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एडवांस फिल्टर में ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए मैं ये भी करके आपको बताता हूं। फिलहाल मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूं। अब मैं यहां पर दे दूंगा नेम में बी एंड स्टार। स्टार एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है और ये हमारे एक्सेल में सपोर्ट करता है। तो मैं यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा डेटा को और क्लिक करूंगा एडवांस फिल्टर पे और मैं क्राइटेरिया रेंज दे दूंगा आज की बार ये वाला, और मैं प्रेस करूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन और K7 का रेंज दे देता हूं, ओके करूंगा। और आप देखेंगे जितने भी नेम बी से स्टार्ट होते हैं वो सारे यहां पर आ गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया फिक्स करके और अपने एक अलग लोकेशन पे फिल्टर कर सकते हैं या सेम प्लेस में डेटा को देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में सॉर्ट और फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। आई होप कि आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं एडवांस फिल्टर के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो लाऊंगा आपके लिए ताकि आप एडवांस फिल्टर को और अच्छे से समझ सकें। तो आई होप
कि आज के इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें बताई हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप चाहें तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डेटा टाइप के अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे डेटा टूल्स और आउटलाइन के बारे में। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं अगले पार्ट।